नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। राजकोट में एक पूर्व सरकारी कर्मचारी और खुद को कल के अवतार बताते हैं, एक और उन्होंने विवादित धार्मिक टिप्पणी की तो दूसरी ओर भगवान विष्णु का दसवां अवतार बताने वाले रमेश फेफर ने अब चंद्रयान 3 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर क्या टिप्पणी की। राजकोट में पूर्व सरकारी कर्मचारी और खुद को कल के अवतार बताने वाले रमेश चंद्र एच फेफर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इस बार उन्होंने विवादित धार्मिक टिप्पणी कर लोगों को आहट किया है। रमेश फेफर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सोनिया गांधी त्रिजटा का अवतार है। सोनिया गांधी ने सीता जी की बहुत सेवा की है। श्री राम के आशीर्वाद से ही सोनिया गांधी को राजपाट मिला। वहीं उन्होंने भाजपा को लेकर कहा कि भाजपा कौरव सेना है। और चंद्रयान 3 को लेकर रमेश फेफर ने बताया कि चंद्रयान 3 प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिसिटी का स्टंट है। कलियुगमां ब्राह्मण अधर्मी होय, क्षत्रिय अधर्मी होय, व्यापारी पण अंग्रेजोनी जेम अधर्मी होय। अंग्रेजो व्यापार करवा आव्या हता अने 200 देश ऊपर 200 वर्ष राज करी अने शोषण करेलू। कलियुगमां मात्र अने मात्र शेरी वाड़वा वाला, शेरीनी सफाई करवा वाला धर्ममां होय अने मंदिरमां पूजा करवा वाला बधाय राक्षस होय। हिंदुस्तानमां 25 लाख मंदिरोमां जे ब्राह्मणो पूजा करे छे એ બધાય નરકમાં જવાના છે। હાર્ટિસ્ટ છે એવા જમાનામાં તમે અહીંયાથી એ ત્યાં યાન મોકલો ને સફળ થાવ ને તાલી વગાડો। એ છે ને 23 વર્ષ બાળક બોલતા શીખે કે ચાલતા શીખે ને રાજી થવા જેવી ઘટના છે। 1 વર્ષ પહેલાં બાળક બોલે કે હાલે ને તો રાજી થવાય, 23 વર્ષે બાળક બોલે તો દુઃખ થાય કે એને 23 વર્ષ ગુમાવ્યા। એમાં કાંઈ નથી, મોદીનો પબ્લિસિટી સ્ટંટ છે। रमेश फेफर ने कहा, हिंदू धर्म के सभी मंदिर सिर्फ पेट भरने के साधन है। क्यों दान पेटी प्रथम आती है और बाद में मूर्ति के दर्शन होते हैं। आने वाले 7 दिन में मैं ब्राह्मण क्षत्रिय और व्यापारियों को हार्ट अटैक से मार डालूंगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि त्रेता युग में ब्राह्मण अधर्मी होने के कारण भगवान राम ने क्षत्रिय के घर पर जन्म लिया। दयानंद सरस्वती राक्षस थे। कलयुग में ब्राह्मण क्षत्रिय और व्यापारी भ्रष्ट हो गए हैं। शेरी की सफाई करना ही श्रेष्ठ है। और तो और रमेश फेफर ने कहा, विष्णु भगवान का 9वां अवतार यीशु ख्रिस्त थे। मैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार हूँ। इस मामले में पुलिस ने रमेश फेफर को कैद करके जाँच पड़ताल की है। ब्यूरो रिपोर्ट।